जब से जियो ने अपने गीगा फाइबर के लिए अनाउंसमेंट किया है तब से हर कहीं पर फाइबर के लिए बातें हो रही हैं कि आखिर ये फाइबर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फाइबर क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशांत चौधरी और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर फाइबर होता क्या है। फाइबर का मतलब है केबल, यानी कि एक ऐसी केबल जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हम उसके अंदर लाइट को ट्रेवल करवा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। अगर हम किसी केबल के अंदर लाइट को ट्रांसफर करवा सकें उससे हम डेटा कम्युनिकेशन कर सकें तो ये काफ़ी फास्ट होगा। यही कॉन्सेप्ट काम में लिया गया है फाइबर केबल के अंदर। जैसे कि मान लो आपको कोई डेटा हमारे इंडिया से किसी दूसरे सर्वर में यानी यूएसए में भेजना है तो आप अगर वहाँ पर कॉपर के बिल आएंगे तो उसमें काफ़ी बीच डेटा कट हो सकता है या फिर उसके अंदर उसकी रेंज वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम हो सकती है, इसलिए हम वहाँ पर काम में लेते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स को। ये नहीं है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में जो उसकी रेंज है वो कम नहीं होती, उसमें बार बार में अगर ट्रांसमीटर लगाया जाता है ताकि उसकी रेंज को वापस बढ़ाया जा सके। यानी कि जैसे हमने कोई सिग्नल इंडिया से यूएसए के सर्वर के लिए भेजा तो वो उस लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। यानी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसके अंदर हमें कई सारे LED लाइट लगाई जाती है, यानी कि कई हाई टेक लाइट लगाई जाती है जिसकी तरह से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से कोई डेटा छोड़ा 01 की फॉर्म में तो वो डेटा वहाँ तक यूएसए तक काफ़ी स्पीड में जाएगा, जितनी स्पीड लाइट की होती है उतनी स्पीड में। ये होता है फाइबर केबल। तो आखिर ये गीगा फाइबर क्या होता है जो जियो ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया है। गीगा फाइबर का मतलब ये है कि 1 GBPS की स्पीड होती है, उसे हम बोलते हैं 1 GB, यानी कि 1 GBPS को हम गीगाबिट बोलते हैं। इसी तरह जियो ने जो फाइबर है अपने उसे प्रमोट करने के लिए उसके पहले नाम लगाया गीगा फाइबर, यानी उनका कहने का मतलब है इसमें आपको 1 GBPS की स्पीड मिलेगी क्योंकि ये फाइबर केबल है। मैं आपको बता दूं आपको पूरी केबल फाइबर की नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ आपके घर तक ही फाइबर केबल मिलेगी। आगे आपके जो राउटर में केबल लगाई जाएगी वो कॉपर केबल होगी, इसलिए इसमें आपको 1 GBPS की स्पीड फाइबर से नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें आपको कॉपर केबल काम मिल ली जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आखिर गीगा फाइबर काम कैसे करेगा। मान लीजिए यूएसए के सर्वर से कोई डेटा हमारे पास आया तो वो डेटा नीचे जो सीवेज में जो फाइबर केबल लगी हुई है उनके जरिए वो हमारी कंट्री तक आता है। जो कंपनी समुद्र के अंदर जो सबमरीन केबल बिछाती है यानी फाइबर केबल बिछाती है उसे हम बोलते हैं Tier 1 कंपनी। और जो कंपनी Tier 1 कंपनी जो इंडिया में जो डेटा पहुंचाया उस डेटा को आगे जो ट्रांसमिट करती है वो थी Tier 2 कंपनी, यानी कि जियो एयरटेल और आइडिया और वोडाफोन बल्कि ये कंपनी होगी Tier 2 कंपनी। क्यों? ये उन जो Tier 1 कंपनी से डेटा लेती है उसे हम अपने नेटवर्क के जरिए हम तक पहुंचाती है, ये हुई Tier 2 कंपनी। Tier 3 कंपनी हो सकती है जैसे कि मान लो आपके एरिया में कोई लोकल ISP है वो हुआ Tier 3, यानी कि उसने जियो एयरटेल वोडाफोन से डेटा लिया और आपको आगे ट्रांसमिट किया, ये हुई Tier 3 कंपनी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर Tier 1 और Tier 2 की। Tier 1 कंपनी है उसने समुद्र से केबल बिछाई और Tier 2 कंपनी ने आप तक डेटा पहुँचाया। तो जो डेटा वो स्पीड में पहुंचाती है उसे हम 2G 3G 4G नाम देते हैं, मगर जो इधर आपके घर तक जो फाइबर केबल बिछा कर आते हैं उसे हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी कि FTTP, यानी कि इसमें आपको काफ़ी बेहतर स्पीड मिलती है। मगर जियो ने इसका नाम बदल कर किया है गीगा फाइबर, यानी कि आपको 1 GBPS की स्पीड मिलेगी, ये होता है गीगा फाइबर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है और ये गीगा फाइबर क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट 1।